Hi friend, my name is Vikas Chakravarti. In this session, I am going to tell you how to solve the problem basis is forfeited of share. Okay? तो इसके लिए कैसे solve करते हैं forfeited जो share करती है कंपनियां और उसे फिर reissue के लिए. तो उसके लिए एक example लेके आते हैं. तो चलते हैं देखते हैं example है क्या. S Limited forfeited 1000 share of rupees 10 each. Okay, कि कंपनी के पास 1000 share है जिसको उस कंपनी ने forfeit कर रही है. नंबर ऑफ शेयर forfeit कितना करी है 1000 share कर रही है और जो कितने रुपीस की है 10 रुपीस each की है. 8 रुपीस called off. कंपनी ने मांगा कितना उसमें 8 रुपीस था. For the non-payment for the allotment, for the non-payment of the allotment money of rupees 5 per share, including 2 per share premium. Yani company jo share mein issue ki hui thi wo kis pe thi, premium pe thi. Company ne 8 pe to manga hai. A one shareholder holding 1000 share jisne payment nahi kiya, kiska nahi payment kiya, allotment ka payment nahi kiya aur kitne rupaye se nahi payment kiya, 5 rupaye se jisme 2 rupaye premium ka bhi tha. Of this 800 share were reissued to S rupees 7 per share. कंपनी उसी शेयर को रीइश्यू कर रही है किस कितने रुपीस में 7 रुपीस पर शेयर एज रुपीस 8 कॉल्ड अप और कितने रुपीस कॉल्ड अप कर रही है 8 रुपीस से. अब आइए देखते हैं कि कंपनियां सॉल्व कैसे करती हैं. कंपनी के यहां पे अकाउंट में क्या एंट्री होती है. तो इसके लिए जब भी कंपनी फॉरफिट कर दी है तो इसमें देखिएगा प्रीमियम अमाउंट अनपेड है. प्रीमियम अमाउंट अनपेड कैसे मालूम, क्योंकि कंपनी के अलॉटमेंट का उसने पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया तो उसका तो उसने प्रीमियम के अमाउंट भी पेमेंट नहीं किया. तो इसके लिए कंपनी जब जनरल एंट्री करेगी अपने यहां पे वो क्या आएगा, तो फर्स्ट एंट्री क्या जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अब देखते हैं कि कंपनी ने जो 10 रुपए का शेयर था कंपनी मांगी कितनी थी, कॉल अमाउंट कितना था 8 रुपीस से और नंबर शेयर कितने थे 1000 यानी इक्विटी शेयर कैपिटल में 1000 इनटू 8000 प्रीमियम कितना बता रही है 2 रुपीस का यानी 1000 इनटू 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 2000 उस शेयर होल्डर ने किसका पेमेंट नहीं किया था अलॉटमेंट के अमाउंट पे की थी और अलॉटमेंट कितने रुपीस का था 5 रुपीस का. तो यहां पे कितना आएगा 1000 इनटू 5000. अब उसने पेमेंट कितना किया 5000 रुपीस उसने पेमेंट किया जो कंपनी ने उसको फॉरफिट कर दी. तो नेशन क्या हो जाएगा बीइंग द 1000 शेयर फॉरफिटेड बीइंग द 1000 शेयर्स forfeited. अब कंपनी कर रही है उसमें से 800 शेयर को 800 शेयर को कंपनी क्या कर रही है उसको रीइशू कर रही है कितने रुपए पे 7 रुपए पे और कॉल्ड अप अमाउंट कितना होता है 8 रुपए. यानी कंपनी क्या कर रही है कम पे रीइशू कर रही है. जब कंपनी कम पे रीइशू कर रही है तो कंपनी को क्या होगा कम पे करने पे वहां पर हम क्या करते हैं यूज करते हैं फॉरफिटेड का. ओके तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अब देखिए कंपनी कितने शेयर कर रही है इशू 800 शेयर कर रही है कितने रुपीस में 7 रुपीस में. तो यहां पे कितना आएगा बैंक में 800 इंटू 7 कितना आ गया 5600. ओके अब देखिए तो कैपिटल में कितने से आएगा
800 कॉल अप अमाउंट कितनी तारी 800 into 8 कितने से आ गया 6400। अब देखो यहां पे 7 रुपए से कंपनी को मिला है, कंपनी को चाहिए था 8 रुपए, तो कितने रुपए का लॉस हुआ कंपनी को 1 रुपए का, यहां पे हो गया 800 into 1 forfeited में 800। नेसन क्या हो गया being 800 forfeited शेयर being 800 forfeited shares forward sale क्या की कंपनी re-issued ओके। अब देखिए ये तो पहली एंट्री हो गई थी कि कंपनी ने शेयर को फॉरफिट किया हुआ था, अब कंपनी ने यहां पे क्या करी उसमें से 800 शेयर को कंपनी ने क्या किया re-issued कर दी। अब कंपनी जब re-issued करने के बाद कंपनी के पास जो भी बैलेंस बचा होगा उसको कंपनी कहां ट्रांसफर करेगी कैपिटल रिजर्व में। अब देखिए तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब देखते हैं जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फिर से देख लेते हैं कि कंपनी को एक शेयर पे मिला कितना था, तो कंपनी को यहां पे एक शेयर पे मिला कितना था 1000 into 5000 मिला था, कितने शेयर पे मिला था 1000 एक शेयर पे कितना हो गया 5 यानी 1000 into 5 कंपनी को एक शेयर मिला था 5 रुपीस के हिसाब से, कंपनी रीस में यूज कितना की है 1 रुपए, कंपनी का बचा कितना है रिमेनिंग बचा कितना रुपीस है 4 रुपीस के हिसाब से है। फिर से देख लीजिए फिर से बता रहा हूं कंपनी के पास कितना था 1000 शेयर था जिस पे 5 रुपीस के हिसाब से कंपनी को रिसीव की हुई है और कंपनी उसमें से 800 शेयर को रीइशू कर रही है 1 रुपए लॉस पे, ठीक है। तो कंपनी पर शेयर पे यहां पे प्रॉफिट कमाई थी 5 रुपीस, कंपनी को लॉस हो गया कैपिटल लॉस कितने का हो जाएगा यहां पे 1 रुपीस का, तो जब कैपिटल लॉस 1 रुपीस की हो रही है तो रिमेनिंग बचा कितना उसकी कंपनी के पास, कंपनी का बचा कितना 5 माइनस 1 किया तो कितना बचा 4 और कितने नंबर ऑफ शेयर को इशू कर चुकी है कंपनी 800 को, तो यहां पे क्या जाएगा 800 into 4 जो फॉरफिट के अमाउंट में आ सकती है कितने से 3200 जो कंपनी के पास जो बैलेंसिंग कैपिटल प्रॉफिट बची हुई है पर शेयर कितना 4 और कंपनी ने इशू कितना कर चुकी है 800, तो 800 into 4 किया तो कितना आ गया फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटलिज्म में 800 into 4 किया तो कैपिटलिज्म में कितने आ गई 3200। तो ना ऐसा लिखिएगा बीइंग, अब कंपनी क्या करिए बीइंग द गेन ऑन किस पे गेन हुआ है कंपनी को रीइशू गेन ऑन रीइशू। अब देखिए कंपनी को जो गेन हो रहा है किस पे गेन हो रहा है, कंपनी जब फॉरफिट की थी जब रीइशू की है तो कंपनी को जो बेनिफिट हो रही है जो कैपिटल प्रॉफिट हो रही है जो गेन हो रहा है वो किस पे हो रहा है रीइशू पे ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इस स्टेप से एंट्री हो गई। अब यार फिर से डिस्कस कर लेते क्या था कंपनी ने 1000 शेयर को फॉरफिट की थी और उसमें से 800 शेयर को रीइशू किया हुआ है और जो रीइशू किया हुआ है उसके बाद कंपनी के पास जो कैपिटल प्रॉफिट था उसको कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर किया हम लोगों ने। तो पहली एंट्री क्या होगी जब फॉरफिट किया तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी पीरियड रिजर्व अकाउंट डेबिट टू फॉरफिट शेयर टू शेयर अलॉटमेंट क्योंकि अलॉटमेंट पे नहीं था तो कंपनी ने 1000 इंटू 8 कॉल अप अमाउंट थी प्रीमियम था 1000 इंटू 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 2000 अलॉटमेंट पेमेंट नहीं किया था 1000 इंटू 5 5000 और तो फॉरफिट में कितना आ गया 5 रुपीज के हिसाब से 5000। कंपनी उसमें से 800 शेयर को रीइशू कर रही है 7 रुपीस में और कॉल अप अमाउंट कितना है 8 रुपीस है तब कंडीशन में 800 इंटू 7 बैंक में 800 इंटू 8 कैपिटल में 800 इंटू 1 के हिसाब से फॉरफिट में आ गया। अब कंपनी जो प्रॉफिट की हुई थी अब कंपनी को एक शेयर पे कैपिटल प्रॉफिट कितने का था 5 रुपीस का था और यहाँ पे कैपिटल लॉस कितने का हो गया कंपनी का 1 रुपीस का, तो रिमेनिंग कितना कैपिटल प्रॉफिट बचा हुआ है 4 रुपीस यानी फर्स्ट में पहले 5 रुपए मिला 5 रुपीस रिसीव की और लॉस कितने का होगा 1, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा गेन कितने की होगी 4 रुपीस पर शेयर पे हुई तो 4 रुपीस के हिसाब से 800 इनटू 4 किया तो कैपिटल रिजर्व में आ गई कितने से 3200 ओके। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अगर कोई कमेंट हो तो कोई भी डाउट हो या कोई कमेंट हो तो आप सेंड कर सकते हैं ओके। थैंक यू।